बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत आक्रोशित हैं और पूरा जो जिस समाज को हम बनाना चाहते हैं, एक बेहतर समाज की परिकल्पना हम करते हैं, हम सोचते हैं, आज पूरे देश के अंदर का महिला सशक्तिकरण के नारे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे हैं, हमारे देश में विकास का जो जलजला है बहुत नए ढंग से समझाया जा रहा है और हमको बताया जा रहा है कि विकास की परिकल्पना क्या है, हमको बताया जाता है विकास कैसे होता है, लेकिन जिस तरह से बहुत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये अपराध और अपराधी नहीं बल्कि बहुत जघन्य किस्म के अपराध और बहुत ही निंदनीय अपराध और बहुत ही एक किस्म से जो हमारे पूरे समाज को एक साथ लील देना चाहते हैं, उसके प्रति जनता का आक्रोशित होना लाजमी है। और अभी जब ये पौड़ी में घटना हुई है, पौड़ी की घटना तो एक ऐसी घटना है जो पूरे एक महिला के आगे बढ़ने के, उसके सपनों को कुचलने के, उसके रास्ते रोकने का इससे बड़ा और उदाहरण और हमारे पास कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक बालिका जो एक बहुत ही दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र से आती है, बहुत गरीब घर से है और उसके अपने सपने हैं और वह एक बहुत उच्च शिक्षा के लिए वह पौड़ी जैसी जगह में अपने ही संसाधनों से जाती है, लेकिन एक बहसी उस पर पेट्रोल डाल के आग लगाता है और वो पेट्रोल से आग लगाने का मतलब सिर्फ एक ऐसा क्राइम नहीं है कि जिससे एक किसी को मारना चाहता है, बल्कि वह एक पूरी व्यवस्था को भी चैलेंज करता है जिस व्यवस्था के अंदर विकास के नारों का एक बहुत बड़ा आकाश बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके पीछे हमारी न नीति है, न हमारी समझ है, न हमारी नीयत है। और इसके लिए मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार इस बात को भी मानता हूँ जो पूरे उत्तराखंड और पूरे देश के अंदर और हमारे समाज के अंदर जो हम सब लोगों को विकास का मतलब भौतिकता और नई चीज़ों के साथ जुड़ने की जो बात बताई जा रही है ये बहुत खतरनाक है। अभी जो ये बेटी के साथ हुआ है, ऐसा ही एक हादसा आगरा में भी हुआ है, उसको भी इसी तरह से जलाया गया पेट्रोल डालकर। और ये जो दोनों घटनाएं इस बात को बताती हैं कि हम कितने असंवेदनशील समाज की तरफ बढ़ रहे हैं और ये भी बताते हैं कि हम किसी एक आदिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये भी है कि हमको इन तमाम चीज़ों के खिलाफ गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, हमको यह भी सोचना पड़ेगा कि हम इन तमाम चीज़ों को रोकने में वो ढंग से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं जिस ढंग से हम सब लोगों को करना चाहिए था। आज जबकि संचार का युग है, आज जबकि लोगों से संवाद का समय है, जबकि हम अपनी चीज़ों को और बेहतर ढंग से कह सकते हैं, लेकिन क्या हम इन माध्यमों का भी इस्तेमाल ढंग से कर पा रहे हैं, ये भी हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। कहते हैं एक बहुत बड़ा असुरक्षित जोन में हम सब लोग खड़े गए, इसलिए हम लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि एक खतरा बाहर से है, एक हमारे अंदर से है, एक खतरा हमारा राजनीति का है, एक खतरा हमारा समाज का है। तो इसलिए हमको दोनों चीज़ों को बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जितने भी मुद्दे हैं ये सब राजनीतिक हैं और इनका समाधान भी राजनीति से होगा।